बताओ चुड़ैलू, कौन कौन अपने पति परमेश्वर के साथ कहाँ कहाँ घूम के आया? परमेश्वर एक बार गए थे वैष्णो देवी। हम गोवा और स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, तुम्हारी तीर्थ यात्रा की नहीं। हमारी किस्मत में स्विट्जरलैंड होता तो हम घर भर के चड्डियाँ कच्चियाँ धोतियाँ ना घिस रहे होते। नशे नशे में कह दी मैंने, बेटा अच्छे से ना रगड़ रगड़ के धोना। तलाक देकर तो दिखाया आप, जेल में जोरदार स्वागत होगा आपका। आखिरी बार कब किया था हमारे साथ? शीला जी तो रोज लेते हैं, किसके लिए? ऐसी कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई हमारे तो मन में बड़ी इच्छा थी कि सच्ची एक बार गोवा घूमें। मेरी पतली कमर लहंगा जूतेदार लियो। एक बार इनसे पूछ आते हैं, इन्हें बता देते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अपने पति की परछाई से निकलकर कभी अपने बारे में सोचा है कुछ? फादर इन लॉ बड़े प्यार से बोले, अपना सामान बांधो और अपने बाइक के चली जाओ ताकि उसे हमें तलाक देने में आसानी हो जाए। हमें भले आराम मिले ना मिले पर धोखा नहीं मिला कभी। मेरा पति मेरा देवता, घंटा प्यार करते हैं तुमसे, सब इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं तुम्हें। ऐसी की तैसी सारे जहां की, ऐसी की तैसी गोम्स को क्यों बुलाया था? हम उसका डांस देखना चाहते थे। नेकेड डांस? नहीं नहीं सर, नहीं भैया, मुको भैया नहीं बोलने का है। हर आदमी का है ना एक बेसिक ईगो होता है, हर्ट हिज ईगो। उस साले को बाहर निकालना है और उसको दबोचना है। हमसे तो एकदम नहीं हो पाएगा, सॉरी। लगाओ इनके हस्बैंड्स को फोन। यही प्रॉब्लम है मिडिल क्लास औरतों, अपनी सारी क्षमताओं को गैस के चूल्हे में झोंक देती है। और दुनिया को यही चाहिए कि औरतें अच्छी बनी रहे, आखिरी दम तक अपना घर अपनी गृहस्थी बचाने की कोशिश करती रहती है। अरे हमारे मम्मी जी का फोन आ रहा है फिर से। जरा पैनिक वाली आवाज निकालो और बोलो बाद में बात करते हैं। मम्मी जी हम आपसे बाद में बात करते हैं। वाह। चीयर्स चीयर्स चीयर्स।